आगे दिखा। हाँ वो वाले कर सही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जो टाइम है वो मॉर्निंग का है, सुबह के 6:30 इतना ही टाइम हो रहा होगा, 6:30 हो रहे होंगे इतना। और यहाँ पर अभी मैं वॉक करके आई थी, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको अपना जो गार्डन है वो दिखा रही हूँ, लॉन दिखा रही हूँ। अभी लॉन में ना घास इतनी अच्छी हो गई है ना, इसको मतलब बहुत पानी दिया है तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ग्रीन हो गई है। बीच में हमारी जो ये लॉन की घास है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब जैसी येलो येलो सी होने लगी थी, लेकिन फिर मम्मी ने यहाँ पर बहुत पानी दिया जिसके बाद ये बहुत ग्रीन ग्रीन होने लगी है। और साथ में आपको मैं अपने फ्लावर्स भी दिखा रही हूँ जो कि बहुत सुंदर खिले हुए हैं। तो अभी कैंडी को भी मैं घुमा के लेकर आ गई थी। कैंडी को मैं खैर मैंने पहले घुमा दिया था, वॉक करने में बाद में गई थी, और यहाँ पर ये मेरे को देख रही थी कि मैं अंदर कब आऊँगी कब आऊँगी। तो सुबह सुबह ना ऐसा कुछ ग्रीनरी देखो तो बहुत अच्छा लगता है, दिन के टाइम यही बहुत अजीब से लग जाते हैं धूप में, लेकिन मॉर्निंग में बहुत सुंदर लगते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको भी दिखाती हूँ। और अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ तो यहाँ पर मैं अभी गुनगुना सा पानी पीऊँगी, गर्म पानी नहीं पीऊँगी क्योंकि आजकल वैसे ही बहुत गर्म है और आरओ का पानी खुद ही थोड़ा सा ना ऐसा वॉर्म जैसा आता ही है, तो मैं गर्म पानी नहीं पीती हूँ, हल्का सा गुनगुना सा पानी पीती हूँ। तो 2 गिलास मैं गुनगुना करूँगी पानी, मतलब गुनगुना भी क्या बोलो उससे भी कम करूँगी क्योंकि गर्म पानी पिया नहीं जा रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस टाइम पर मेरे को स्वेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा आ रही थी तो मुझे हो गए थे 10 मिनट अभी वॉक से आए हुए, क्योंकि तुरंत आके एकदम से पानी भी नहीं पीना चाहिए। तो मैं अभी 10 मिनट रुक कर मैंने आपको बाहर दिखाया और अभी मैं अंदर आ गई हूँ। तो देखा तो यहाँ पर लाइट भी जा रही थी, तो इंडक्शन पे गरम कर रही थी तो लाइट नहीं है, तो अब गैस पे गरम करती हूँ थोड़ा सा गुनगुना पानी। और 2 गिलास मैंने पी लिए थे क्योंकि मेरे को बहुत तेज़ प्यास लगने लगी थी, तो मैं सबर नहीं हो रहा था, मतलब ऐसा हो रहा था कि पी लूँ, तो एक मैंने सिंपल पी ही लिया था आते मतलब थोड़ी देर बाद, और अभी मैं 2 गिलास और पी रही हूँ। गर्मियों मतलब बहुत पानी पिया जाता है जिसकी वजह से भूख वैसे ही कम सी हो जाती है और गर्मी बहुत अपने हाई लेवल पर इस टाइम पर। तो आप मुझे पानी देख रहे हो मैं कैसे पी रही हूँ, मेरे को बहुत तेज़ प्यास थी लेकिन वही था अभी एकदम से घूम कर आओ तो पानी नहीं पीना चाहिए बोलते हैं ना, तो 1 गिलास पिया। अभी मैं 1 गिलास पानी लेने और गई हूँ। तो यहाँ पे पानी पीने के बाद मैं जो कपड़े हैं ना ये भी उठाने आ गई हूँ क्योंकि पापा जो है नहाने गए थे, और फिर क्या होता है उनको यहाँ पर आप देख रहे हो स्टैंड पे बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो फिर उनको ना टॉवल वगैरह या उनके कपड़े जो है सुखाने की जगह नहीं मिलती है क्योंकि ये हमारे कपड़े बहुत जाते हैं, तो मैं वही करने गई थी। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, मतलब चाय मैंने रुक कर बनाई है, 15-20 मिनट बाद बनाई है, तो क्योंकि एकदम से पानी पियो फिर चाय पियो होता नहीं है, तो इसलिए चाय मैं रुक कर ही बना रही हूँ। और यहाँ पर जो जो बॉटल्स मेरे को दिख रही है वो मैं भर के रख रही हूँ क्योंकि अभी फ्रिज का पानी पीने लग गए हैं, मतलब पिछले साल भी आप ये मानोगे नहीं या आप लोग पीतोगे तो आप भी शायद नहीं पीतोगे, हमने पिछले 2 साल से हम लोग फ्रिज का पानी बिल्कुल नहीं पी रहे थे क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती थी, ऊपर से हमें सूट नहीं करता था गर्म ठंडा पानी, लेकिन इस बार इतनी गर्मी है कि मतलब बिना फ्रिज के पानी से चल ही नहीं रहा है, घड़े का पानी भी अच्छा नहीं लग रहा है, बस फ्रिज का पानी ही अच्छा लग रहा है। तो इसलिए जितनी भी बॉटल्स होती हैं, बॉटल्स इतनी सारी हैं लेकिन वो भरो फिर खाली हो जा रही है, भरो फिर खाली हो जा रही है, कुछ ऐसा सा हो रहा है। तो यहाँ पर रात के जो बर्तन है वो भी मैं हाथों हाथ लगाती रहूँगी, एक साइड जो है चाय भी बनती रहेगी।
और अभी जो है ना यहाँ पे किचन गार्डन में आई हूँ मैं, तो मैं आपको दिखा रही थी मम्मी जो है पानी दे रही है। एक्चुअली ये जो भिंडी और ये जो मिर्ची थी ना, ये बिल्कुल सूखी हुई थी। मतलब अगर एक दिन इनको पानी नहीं दिया है तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे सूखा नहीं पड़ जाता कहीं पे, इस टाइप से मतलब मिट्टी हो गई थी, बिल्कुल ऐसे दिखने लगी थी सूखी बिल्कुल। तो मम्मी तो वैसे अपने दूसरे काम कर रही थी, लेकिन जब यहाँ पर मम्मी ने देखा बिल्कुल सूखा हो रखा है, तो मम्मी अभी इनमें पानी दे रही है। और बारिश वगैरह कुछ नहीं हो रही है ना, अगर बारिश हो ना तो एकदम से ये चीज़ें ग्रो करती हैं, क्योंकि उसमें भी इनको कुछ चीज़ें मिलती हैं, मिनरल्स मिलते हैं। लेकिन अभी बारिश आ नहीं रही है, तो जो पानी हम लोग मतलब डायरेक्ट आता है या कभी मोटर चला के हम लोग भर रहे हैं, तो मम्मी अभी क्या कर रही है, फिर अगर एक जगह पानी तो दूसरी जगह सूखा दिखता है, तो फिर वहाँ भी रहा नहीं जाता है। तो मम्मी ने सारे में पानी दे दिया है फिर। और यहाँ पर मैं आपको गुल मेहंदी दिखा रही थी, तो ये भी इसमें भी फूल थोड़े थोड़े से खिलने लग गए हैं। और भिंडी अभी हमारी देखो कितनी कम है, क्योंकि ये टाइम से नहीं लगाई है, जब ये लगानी थी उस टाइम पे लगी नहीं है ये, तो लेट हो गया था भिंडी लगाने में, इसलिए भिंडी जो है अभी हुई नहीं है। अदरवाइज़ काफ़ी लोगों की भिंडियाँ तो होने लगी, लोग खाने भी लग गए हैं। और यहाँ पर मुझे फिर क्यारी में एक आम दिख गया था, क्योंकि बंदर इतने आते हैं ना, छोड़ते ही नहीं है वो। एक बंदर को तो मैंने खुद देखा है, वो इतना पका हुआ आम खा रहा था हमारे पेड़ में से, तो बंदर छोड़ते नहीं, ज़रा सा भी लाते हैं तो आम गिर जाते हैं। तो ये आम मैं अंदर लेकर आ गई थी, और यहाँ पर बस अब मैं पोछा लगाऊंगी। झाड़ू हो चुका था और डस्टिंग हो चुकी है, अभी पोछा लगाने का टाइम है, तो यहाँ पे मैं अभी पोछा लगा रही हूँ। और अभी जो है दिन का टाइम हो चुका है, तो सबसे पहले जो है हमने पर्दे वगैरह लगा दिए मैंने, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा ऐसे आता है भपका जैसा आता है गर्मी का, तो इसलिए पर्दे वगैरह लगा दिए हैं। और आज मैंने राजमा बनानी है, राजमा उड़द की दाल, तो वो भी मैंने बॉईल करने रख दी है एक साइड। यहाँ पर जो जखिया है वो मैं वॉश कर रही हूँ, ये पिछले दिन मम्मी और मैं लेकर आए थे। हम ना हर सामान ले आते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें आती हैं जो हम हमेशा भूल जाते हैं, उनमें से जखिया एक ऐसी चीज़ है जो हम हर महीने सोचते हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो ये मेरे को इसलिए याद आया क्योंकि जिस शॉप से मैं सामान ले रही थी वहाँ पर कोई लेडी थी, तो वो जखिया ले रही थी, तो मेरे को याद आ गया था। तो उन अंकल से मैंने पूछा कि साफ है, तो उन्होंने कहा नहीं, थोड़ा वॉश तो करना ही पड़ता है। तो मैंने इसको वॉश कर दिया था, 5-6 बार वॉश करा है, और जो नीचे नीचे का रह गया था ना वो फिर मैंने हटा दिया था, क्योंकि उसमें हल्के हल्के से ना मिट्टी जैसी दिख रही थी। मतलब ऐसे कण वो तो नहीं होते, पत्थर जैसे, लेकिन मिट्टी जैसी दिख रही थी, फिर वो मुँह में आती आती है इसलिए। तो जो लास्ट का रह रहा था ना वो मैं रहने दे रही थी, और छन्नी में भी मैं वॉश कर दे रही थी, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी मिट्टी दिख रही थी। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के जो है वॉश कर लिया था, क्योंकि जख्या ना थोड़ा सा भी इसमें मेहनत तो लगती है, मेहनत तो क्या बोलो, उसको वॉश ही करना है, लेकिन इसका तड़का बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लगाने लग जाओगे ना तो आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने छंडी में भी इसको बहुत अच्छे से वॉश कर दिया, अब मैं इसे धूप में रख रही हूँ। तो थोड़ी देर धूप में रखा था और फिर मैं अंदर ले आई थी इसको शाम को, तो थोड़ा थोड़ा ही रह गया था, क्योंकि अच्छे से सूखना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से नहीं सूखा ना तो इसमें सफ़ेद सफ़ेद फफूंदी सी लग जाती है, इसलिए। तो धूप आजकल बहुत तेज़ है, तो ये अच्छे से सूख जाता है। तो ये जख्या है जो मुझे कॉमेंट कर रहे थे कैसा होता है, तो इस तरह का होता है जख्या। वन वेलकम बैक टू द चैनल, और कैसे हो आप सभी, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी जस्ट आशी और मैं यहाँ पे खड़े हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कुछ बातों का। इसको अपने बालों की कटिंग करवानी है, तो मैं इसको पहले बोलती कि इस टाइम पे चलते हैं, लेकिन बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है, तो मैंने इसको बोला शाम को चलते हैं। एक्चुअली आज संडे भी है, शॉप ऐसे खुली रहती है, लेकिन हमारे इधर जो भैया जो कटिंग वगैरह करते हैं अच्छे करते हैं, तो संडे को उनके यहाँ भीड़ रहती है आई थिंक, और बाहर बहुत धूप भी है। तो मैं इसको बोल रही हूँ शाम को चलते हैं, ये बोल रही है अभी चलो, क्योंकि इसको बहुत जल्दी है बाल कटाने की। तो इसके बाल इतने हैं, और ये बोल रही है मेरे पास इतने कर दो, तो इतने नहीं करूँगी मैं, इतने नहीं, मैं तो इतने कर दूँगी, इतने करो मैं नहीं, ऐसा करवाऊँगी। तो ये अपने बाल, एक्चुअली इसके बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, तो मैंने कल से प्याज का रस लगाना स्टार्ट करा है इसके बालों में, तो देखते हैं। वैसे एक बार में नहीं होता, लेकिन इससे प्याज के रस से ना इसके बाल में बहुत अंतर आया था, बहुत डिफरेंस, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, तो मैंने इसलिए शुरू कर दिया है। लेकिन थोड़ा सा मैं खुद ही सोच रही हूँ थोड़े कटवा देती हूँ, बहुत बाल झड़ रहे हैं इधर उधर ना, बाल ही बाल दिख रहे हैं इसलिए। तो फाइनली आशी के आज बाल कट जाएंगे, तो कल कट जाएंगे, क्या हो गया। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी है कि आज इसके बाल कट रहे हैं ना, बहुत दिनों से जिद कर रही है, और जब से तन्नू के बाल देखे तब से मेरे पीछे और पड़ी हुई है, मेरे भी कटवाओ मेरे भी कटवाओ। तो अब मैं इतनी दूर तो नहीं जा पाऊंगी, यहीं पास से कटवा लेंगे। यहाँ पर अब मैं राजमा जो है उसमें तड़का लगा रही हूँ, राजमा बॉइल हो गया, अब हींग जीरा वगैरह मसाला मैंने एक साथ ही कर लिया है,
प्याज टमाटर और लहसुन का। आयाशी हाँ? शाम को खाना नहीं खाएगी? मेरे बाल है ट्रीटमेंट हो गया। ट्रीटमेंट और अभी हम लोग मतलब आशी और मैं जो हैं बाहर निकल चुके हैं। शाम का टाइम हो गया है, 6:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं आशी की जो हेयर कटिंग है वो करवाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले जहाँ पर मुझे जाना था जिन भैया की शॉप में वहाँ गई, तो वहाँ पर शॉप बंद थी। एक्चुअली हस्बैंड ने मेरे को फ़ोन कर दिया था, बता दिया था कि उनकी शॉप बंद दिख रही है, लेकिन मुझे लगा शायद शाम को खोल देंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे जो है ना संडे को जो है शॉप्स खुलती हैं, ट्यूसडे को बंद रहती है, बट उनकी संडे को भी बंद थी, हो सकता है कहीं गए हों वो। तो फिर मैंने आशी को बोला कि बेटा कल आएंगे मंडे को हेयर कट करा देंगे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। उसको ऐसा और था कि बस बाहर निकल गए। तो मैंने बहुत जगह, 2-3 जगह जहाँ पे मतलब मेरे को लगा कि हाँ अच्छे कट जाएंगे वहाँ पर मैं लेगी थी, लेकिन हर जगह ही जो है ना पार्लर बंद थे। तो फिर घूम घूम के इधर उधर घूम घूम के मुझे ये पार्लर दिखा। और पार्लर का नाम पता नहीं, शायद श्रृंगार रखा था कि पता नहीं कुछ ऐसी नाम था, मैं नाम भी ढंग से पढ़ नहीं पाई बाहर क्या था। तो मेरे को ये दिखा तो इसने फिर जिद करी, मम्मी यहीं पे चलो यहीं पे चलो। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई थी। फिर इन्होंने थोड़ा सा मतलब इसके बाल वगैरह तो मैं कट करवा रही थी, लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा कट नहीं करें क्योंकि उनको खुद ही नहीं हो रहा था कि मैं इनके बाल ज़्यादा से कटें। पता नहीं उनको देख के ऐसा कर था कि इतने लंबे बाल क्यों कटवा रहे हैं। लेकिन सच बताऊँ तो इसके जब वो कंघी कर रहे थे ना तो इसके बहुत हेयर फॉल हो रहा था। 2 बार उन्होंने कॉम करी, दोनों बार इसके बाल बहुत झड़ रहे थे। तो पता नहीं क्या उसके बालों में हो गया, लेकिन फिर कटिंग करवा दी है। और फ्रंट से भी ये कुछ बोल रही थी, मैं तो नहीं चाह रही थी कि फ्रंट से कुछ कटिंग हो क्योंकि अभी ये स्कूल जाएगी, 2 चोटी बनेगी, तो ये एक्स्ट्रा बाल ना बाहर निकलते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं। पिनअप तो हो जाते हैं लेकिन अच्छे नहीं लगते हैं मेरे को, मतलब बच्चों के लिए ना। लेकिन ये मानी नहीं मेरे को ऐसे कटवाना है। तो जैसे जैसे भाई ये बोल रही थी वैसे वैसे वो दीदी जो है कट कर रही थी। तो लेंथ तो इसकी बहुत ज़्यादा उन्होंने कट नहीं करी है, वो खुद ही नहीं करी है। मैंने तो उनको बोला कि आपको करना है और तो कर दो, बोली नहीं ठीक है इतने। तो यहाँ पर आशी के बाल आप देख रहे हो इतने कटिंग हुई है बैक में से, और फ्रंट से कुछ इस तरह की कटिंग दी है। तो इसके बाल थोड़े से ना ऐसे उड़े उड़े से उड़ते, तो उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेट कर दिए थे फ्रंट से। पूरे मैंने उनको मना कर दिए थे क्योंकि फिर हीटिंग रहती है बच्चों के बालों के लिए, अच्छा नहीं होता है। इस वजह से 7:30 बज गए हैं, शाम के टाइम को पता ही नहीं चलता है कितनी जल्दी से चले जाता है। आशी और मैं शायद 6:15 बजे गए थे, 1 घंटा हो गया हमें, क्योंकि ये ना इधर उधर। और आज संडे भी है तो इस वजह से पार्लर में बंद भी थे, और कहीं कहीं पर ऐसा था कि सिर्फ जेंट्स पार्लर ही खुले हुए थे। तो बड़ी मुश्किल से एक ढूंढा मैंने यहीं पर अपने घर के पास ही, तो वहाँ पर इसके बालों की कटिंग करा दी है ये देखो। और जो उनके इसके बाल जो कट कर रहे थे ना दीदी, वो भी घबरा के कट कर रहे थे। मतलब उनको भी होता कि इतने लंबे बाल क्यों कटवा रही है। एक आंटी और बैठी थी वहाँ पर, वो भी बोल रही अरे इतने सुंदर बाल क्यों कटवा रहे हो। तो इसके कटवाने का रीज़न एक तो बढ़ जाएंगे ऐसा कुछ नहीं है, और साथ में इसके बहुत हेयर फॉल भी हुआ है, इसलिए मैंने कटवा दी। फिर भी इतने नहीं कटवाए, दिखा आशी आपने शायद वीडियो में देखा होगा मैंने बनाया है, मैं तो बोल भी रीति कटवा रहा हूँ। तो इसके बाल वो भी घबरा के काट रही थी, तो उन्होंने काटे हैं इतने बाल काटे हैं। तो कोई नहीं, फिर दोबारा कभी कटवा देंगे। और फ्रंट से आशी ने थोड़ा सा ऐसे कटवाए क्योंकि ना चोटी भी करती है स्कूल में, तो थोड़ा बाल ऐसे निकलते ना अच्छे नहीं लगते बच्चों के, इधर से और उधर से भी। ये ऐसे बाल चाह रही थी तू? नहीं मैं ऐसे अभी चाह रही थी, उन्होंने बोला नहीं वैसे तो ही है। अरे वो वैसे वाले बहुत छोटे जाते नहीं, वो इतनी रहते तो ऐसे कर देते, वो ड्रायर मार के ऐसे हो जाते। एक्चुअली इसके बाल ना थोड़े से कर्ली है ना, तो थोड़े से तब कटवा देते। हाँ अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मतलब मैं इतनी ज़्यादा बालों में एक्सपेरिमेंट करना भी चाहती थी। मेरे को ये था कि ये वाली कटिंग वो कटिंग, मेरे को मैं माइंड सर्च कर गई थी कि स्ट्रेट कटिंग करवाऊंगी मैं, क्योंकि फिर बाल अगर हम स्टैप कटिंग वगैरह कटवाएं ना तो उसमें बहुत ज़्यादा से बाल निकलते हैं, मतलब कट जाते हैं। तो मैं ये नहीं करवाना चाह रही थी इसलिए। तो अभी कभी जब मैं बड़ी होगी तो अपनी मर्ज़ी से करवा लेगी, अभी अपनी मर्ज़ी से मैं कैसे बाल कटवा सकती हूँ। तो अच्छे लग रहे हैं, वो खुश भी है, खुश नहीं होती ना अभी तो बहुत गंदे मुँह बनाते। अभी देखो हैप्पी है ये आशी, ठीक है। और अभी सिया के बाल कटिंग भी करवाने जाना है बालों की, तो सिया जिस दिन वॉश करेगी ना अपने हेयर, तो सिया को भी लेके जाऊँगी मैं, सिया के भी हेयर कटिंग करवाऊँगी। तो चलिए अभी आ गए हैं, और आज तो खाना नहीं बनाना है, दिन की दाल वगैरह बची हुई, भिंडी की सब्जी बची हुई है, वो इन लोग खा लेंगे। आटा मैं थोड़ी देर में भूनूंगी, अभी मैं कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ। और ये वाला कुर्ता मैंने सिलवाया था वहाँ से मम्मी और के उधर से, अच्छा सिलाया उन्होंने। और इस ये ना यहाँ पानी गिर गया, पानी पिया था। तो ये ना दुपट्टे का मैंने कुर्ता बनवाया है क्योंकि मेरे पास दुपट्टा बिल्कुल न्यू था,
कि दुपट्टा मैं ओढ़ती इनकी बहुत कम होती थी, इसकी शुरुआत का सूट जो है वो ख़राब हो गया था, लेकिन कुर्ता बिल्कुल ठीक था। तो मैंने फिर क्या करा ना, इसका मैंने ऐसे करके कुर्ता बनवा लिया, सिंपल था और अच्छा लगा घर में पहनने के लिए, ठीक है। अच्छी बंद कर देना अलमारी को। और अभी जो है ना, मैं किचन में आ चुकी हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और उसके बाद यहाँ पर अभी मैं बना रही हूँ आम की लौंजी बोलते हैं इसको, चटनी भी बोलते हैं वैसे, आम की लौंजी ही बोलते हैं ज़्यादा। तो मेरे पास ये कुछ आम है और ये हमारे घर के ही हैं, जैसे कोई मैंने बताया कभी हवा में गिर जा रहे हैं या फिर जैसे बंदर झाड़ देते हैं, तो ये मम्मी ने फ्रिज में ही रखे हुए थे। और आम पन्ना मैं नहीं बनाना चाह रही थी, मेरे को आलस आ रहा था इस वजह से। तो मुझे, मैं ऐसी यूट्यूब में देख रही थी तो मेरे को आम की लौंजी दिखी, तो मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ, क्या बच्चों को पसंद आ जाए। मुझे तो ये बहुत अच्छी लगती है, सच बताऊँ मैं इसको ऐसे खा लेती हूँ बिना रोटी बिना घीसी उसके भी, मैं वैसे ही खा जाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो मैं सोची थी बच्चों को अच्छा लगता है कि नहीं, तो दोनों बच्चों को ये बहुत अच्छा लगा ये। तो इसमें ना जो गुठली है ना वो बिल्कुल हार्ड हो चुकी है, ऐसे मुलायम वाली नहीं है, तो इसलिए इसकी गुठली मैंने बीच में से अलग कर दी है। और इनको अपनी शेप में किसी भी तरह लंबाई में छोटे पीसेस में कैसे भी कर सकते हैं। तो मैंने सारे के सारे आम, पांच शायद आम थे ये, चार पांच आम थे, तो मैंने उनको कट कर लिया। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था और इसमें मैंने हींग, जीरा और साथ में ही मेथी दाना, सौंफ इसमें ऐड कर दिया था, और यहाँ पर दो लाल मिर्ची मैंने ऐड कर दी थी। इसको चटकने के बाद यहाँ पर मैंने जो आम है वो भी इसमें ऐड कर दिया था और कलौंजी भी मैंने इसमें ऐड करी थी। और उसके बाद इसको ना थोड़ा सा भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, ऐसी दो तीन 2 मिनट के लिए इसको भून लेंगे और उसके बाद इसमें 1 गिलास पानी मैं ऐड कर दूंगी, तो ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है इसको, मतलब ऑयल में ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, 2 मिनट काफ़ी होते हैं। और 1 गिलास पानी डालने के बाद मैंने इसे ढक कर रख दिया है और 5 से 10 मिनट बाद मैंने देखा तो जो आम है ना वो अच्छे से गल चुके थे, बहुत ही अच्छे से। तो अब मैं इसमें क्या करूँगी, कुछ मसाले ऐड करूँगी, जैसे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करूँगी, काला नमक इसमें ऐड करूँगी और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। साथ में ही धनिया पाउडर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसमें अब मैं ऐड करूँगी ये गरम मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गरम मसाला। और इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं करा है लेकिन चाट मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। सब चीज़ों को मिला लेंगे और गुड़ मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट करे थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। गुड़ की जगह चीनी भी ले सकते हैं लेकिन गुड़ थोड़ा सा अच्छा रहता है खाने में, तो वो ये। और इसको ढककर इसको पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा नहीं हो जाता है। तो जब ये बन जाएगा तो कुछ इस तरीके का लगता है, तो देखने में तो ये बहुत सुंदर लग ही रहा था लेकिन खाने में भी बहुत टेस्टी हो रहा था ये। तो अभी थोड़ा सा बचा है ये, वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, तो बस इसको अब मैं ज़्यादा पकाऊंगी नहीं क्योंकि ठंडा होने के बाद ना ये अभी गाढ़ा हो जाएगा इस वजह से। और यहाँ पर मैं सिया को बुलाने गई थी खाना खाने के लिए, तो सिया यहाँ पे बना रही है कार्ड, कार्ड बना रही है वो अपने पापा के लिए, हैप्पी फादर्स डे। जैसे कि मैंने आपको बताया उसे कार्ड बनाने का बहुत शौक है, उसे पता चलना चाहिए कि कुछ है तो वो बनाती है, तो यहाँ पर वो कार्ड बना रही थी और 1 घंटा इसको कार्ड बनाने में लगाया। बहुत ही सिंपल सा कार्ड है लेकिन वो थोड़ा सा होता है बच्चों को ना, ड्राॅइंग वगैरह कर रहे हैं तो इस वजह से। तो बस इसको बुलाने आई थी, मैंने कहा चलो आपको भी मैं दिखा देती हूँ। और अपने ब्लॉग को आज मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, टाइम देखो 9:15 बज गए हैं, तो ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर से कीजिएगा। बाय बाय।